हमारे अंदर आत्मा है, बहुत से धर्म भी यही कहते हैं। जिन्होंने ध्यान को जाना है वो भी यही कहते हैं, हम सिर्फ शरीर ही नहीं हैं। ये सुनते ही किसी के भी मन में बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो कभी दिखाई क्यों नहीं देता, उसका कभी एहसास क्यों नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा जो शरीर है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनकी एक सीमा है, एक लिमिट है। उस सीमा के पार जाना नामुमकिन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जिस आत्मा की, जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, उसका कोई रूप ही नहीं है, उसकी कोई चमक ही नहीं है। वह ना दिखने वाला प्रकाश है, अदृश्य है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। विज्ञान कहता है इस पृथ्वी पर जो प्रकाश फैला हुआ है उसका असली रूप हम कभी देख नहीं सकते। अगर आप कहते हो बाहर धूप निकली है, आपने धूप को देखा है, तो ये आपका भ्रम है। जैसे ही रोशनी सूरज से निकलती है और धरती पे किसी भी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे पड़ती है, तो रोशनी आपको खुद नहीं दिखती, आपको वो वस्तुएं दिखती हैं। कई बार रोशनी को देखने का भ्रम होता है, लेकिन वो भी हवा में फैले धूल कणों पे जब रोशनी पड़ती है तो आपको धूल कण ही दिखाई पड़ते हैं, रोशनी को आप नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपसे कोई आत्मा या परमात्मा की बात करेगा, या आप किसी किताब में पढ़ लोगे, या किसी वीडियो में देख लोगे, या ध्यान में आपको कुछ ऐसा दिखे, आप किसी अंधविश्वास में ना पड़ सको, आपको कोई भटका ना सके। क्योंकि जैसे ही आत्मा की बात होती है, शरीर के पास दो ही रास्ते बचते हैं उसे देखने के लिए। पहला रास्ता है हमारी आंखें, जिनकी एक सीमा है। दूसरा है हमारा दिमाग। अपनी आंखों से जीत पाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन अपने ही दिमाग से जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वीडियो में आगे दिखाने लायक कुछ नहीं है, तो कृपया आप अपने हेडफोन्स पहन लेना। हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। क्या आप अपने दिमाग में किसी लाल रंग के व्यक्ति को देख सकते हो? क्या आप अपने दिमाग में उड़ने वाले हाथी या उड़ने वाले घोड़े को देख सकते हो? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, क्या आप उन्हें अपने दिमाग में देख पाए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या ये चीज़ें जितनी भी मैंने बोली इस दुनिया में सच में मौजूद हैं? तो आप कहोगे नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो तय हो जाती है, हमारा दिमाग उन चीज़ों को भी देख सकता है जो इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है। जब ये तय हो जाता है, हमारा दिमाग उन चीज़ों को देखने में भी सक्षम है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो क्या हमारा दिमाग आत्मा को भी देख सकता है या कभी देख सकेगा? तो उसका जवाब है ना। तो अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठ खड़ा होगा कि अगर हम उन चीजों को भी देख सकते हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो फिर आत्मा को क्यों नहीं? हम हमारे दिमाग में आत्मा को इसलिए नहीं देख सकते, ये जो हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो चीज़ें मैंने कही थी, लाल रंग का व्यक्ति, उड़ने वाला घोड़ा या उड़ने वाला हाथी, वो इस दुनिया में मौजूद हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं कुछ पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें आपके दिमाग ने ही आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और वो धोखा ये है, जैसे ही मैंने कहा आपसे कि उड़ने वाले हाथी को देखो, तो आपके दिमाग ने क्या किया, हाथी को लिया और एक पंखों को लिया, दोनों को मिला के आपको दिखा दिया। एक घोड़े को लिया और पंखों को लिया, दोनों को मिला के दिखा दिया। लाल रंग को लिया, एक व्यक्ति को लिया, दोनों को मिला के दिखा दिया। क्योंकि हाथी को भी आपने देखा हुआ है और पंखों को भी आपने देखा हुआ है। तो जो बात मैंने पहले कही थी कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी देख सकता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो बात सच नहीं है।
वह आपके दिमाग का एक भ्रम था जो अब टूट चुका है। हमारा दिमाग वही देख सकता है जो हमने पहले देखा हुआ है। कोई नई चीज जरूर दिखाई दे सकती है जो इस दुनिया की नहीं लगेगी। उन चीजों को आपका दिमाग आपकी पहले से इकट्ठा की गई नॉलेज को तोड़ मरोड़ कर कोई अलग ही चीज दिखा सकता है। ऐसा भ्रम आपको ध्यान में भी हो सकता है जो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ। तो अगर आप पूछते हो हमारा दिमाग आत्मा को देख सकता है, तो उसका जवाब है नहीं। हमारे दिमाग ने कभी उसे देखा ही नहीं, तो उसके दिखने का सवाल ही नहीं। तो अगर कोई तुम्हें भटकाए या तुम्हें अंधविश्वास में डालने की कोशिश करे, या कोई किताब या कोई गुरु या कोई व्यक्ति, तो मत करना उस पे भरोसा। या ध्यान में भी तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें उसे दिखाने की कोशिश करे, तो उस पर भी भरोसा मत करना। ध्यान में भी तुम्हें बहुत से भ्रम होंगे, उन्हें मंजिल मत बना लेना, क्योंकि मंजिल ना दिखने वाली चीज है, अदृश्य है। इन दो रास्तों के अलावा फिर भी तुम उसे जान लो, फिर उसे जो चाहे नाम दे देना, इनलाइटनमेंट, समाधि, महासमाधि, उससे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले की वीडियो में जो मैंने आपको कहा था कि ध्यान करते वक्त जो आपको आवाजें या डिस्टर्बेंस सुनाई देता है, तो अगर आप उन आवाजों को छोड़कर ये जानने की कोशिश करो कि उन आवाजों को सुनने वाला कौन है, तो ये पूछते वक्त कि सुनने वाला कौन है, अगर उसका जवाब किसी कल्पना में आता है या आपके दिमाग में बनता है, तो उस पे भरोसा मत करना, वो आपका भ्रम है। अगर आप अपने दिमाग में किसी पहाड़ को इमेजिन कर सकते हो, तो आप किसी भी भगवान को इमेजिन कर सकते हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं होगी। तो ऐसी किसी बेतुकी बात पे भरोसा मत कर लेना।